हाय एवरीवन, मैं हूँ लवली। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लवली किचन में। आज मैं आपको गेहूं के आटे और चने के दाल के फरे बनाना सिखाऊंगी। इसको कई जगह पे गोझा भी कहा जाता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे चाय के साथ शाम के नाश्ते पे खा सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फरे बनाना शुरू करते हैं। फरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है और इसको गूंद लिया है और इसका डो हम टाइट रखेंगे। और डस्टिंग के लिए हमने आटा चाहिए। चने की दाल है 250 ग्राम मैंने लिया है। इसको रात भर मैंने भिगो के रखा है। अभी मैंने इसको अच्छे से धुल के बाउल में निकाल लिया है। इसके लिए हमें चाहिए हल्दी, नमक, बारीक कटा हुआ धनिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और चने की दाल। इसको हम दरदरा पीस लेंगे और सरसों का तेल। यहाँ पे मैंने लिया है मेथी और जीरा, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, इसको हम फ्राई करते समय यूज करेंगे। तो चलिए हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो चलिए हम मिक्सी में अदरक डाल देते हैं, लहसुन डाल देते हैं और हरी मिर्च। आपको जितनी हरी मिर्च चाहिए, जितना तीखा चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और दाल को डाल देते हैं। इसमें हम जरा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल ही जरा सा। उसको धीरे धीरे करके ऐसे रोक रोक ताकि अच्छे से। तो देखिए ये बस हो गया, बाकी के बचे भी दाल डाल देते हैं इसमें। और ज्यादा से हम पानी डालेंगे और तो ये देखिए इसको हम थोड़ा एक बार ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से और ग्राइंड हो जाए। देखिए बिल्कुल ऐसा ही हमें इसको पीसना है, एकदम महीन पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा दरदरा रहेगा। तो देखिए मैंने निकाल लिया है पीस के। अब हम इसमें मिलाएंगे एकदम जरा सी हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार और धनिया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब चलिए हम फरे बनाते हैं। गैस को ऑन कर लेते हैं और पानी को बॉईल कर लेते हैं स्टीम करने के लिए फरे को। आपके पास अगर स्टीमर है उसका यूज कर सकते हैं। तो अब हम ये होल वाली जो थाली है इसको हम लेंगे और इस पे हम जरा जरा सा ऑयल लगा देंगे। अच्छे चारों तरफ ये जो पानी बॉईल हो रहा है उसके ऊपर हम ऐसे रख देंगे। अब पानी को बॉईल होने देते हैं। अब हम फरे की स्टफिंग कर लेते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा हम डस्टिंग करेंगे आटे से और इतने छोटे साइज के हम टेढ़े लेंगे। उसमें हम ऐसे आटा लगाएंगे और अब हम रोटी की तरह इसको ऐसे बेलेंगे।
थोड़ा सा और हम आटा लगा लेते हैं। ऐसे हम बड़ी रोटी के जैसे हम इसको बेल लेते हैं। अब इसके बाद हम इस पे ये लेंगे और इसको हम ऐसे चारों तरफ हम फैला देंगे। एकदम बराबर हम इसको फैलाएंगे, ऐसे बिल्कुल हाथ की सहायता से भी आप इसे फैला सकते हैं। जो एक्स्ट्रा होगा हम हटा देंगे। अब ये फैल गया है, अब हम इसको आराम आराम से ऐसे रोल कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे हम रोल कर लेंगे और जरा सा हम इस पे जरा सा आटे से डस्टिंग करेंगे ताकि ये चिपके नहीं, और इसके इसको इसके ऊपर ऐसे हम रख देंगे। ऐसे हम दूसरा बनाएंगे। इसमें हम ऐसे आटा लगाएंगे, और हम आटा लगा लेंगे इसमें। फिर हम ये डालेंगे चने की दाल और इसको ऐसे हम चारों तरफ फैला लेंगे। अभी मैं हाथ की सहायता इसको बराबर फैला लेंगे इस पे। आपको जितनी स्टफिंग चाहिए आप ऐसे इसको बना सकते हैं। अब इसको हम फिर ऐसे ही रोल करेंगे। फरे बनाने के कई तरीके हैं, आप ऐसे बना सकते हैं। हम थोड़ा सा आटा लेंगे, देखिए मैंने इसको बेल लिया है, फिर इस पे डालेंगे। ऐसे ही हम सारे फरे बना लेंगे। हाथ से ही अच्छे से इस पे मिल जाता है। अब हम इसको फिर बिल्कुल ऐसे इसको रोल कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये बन रहा है। ऐसे हम सारे बना लेंगे। ये पानी बॉईल हो रहा है, अब हम इसमें ये जो फरे के रोल है अब हम इसको डाल देते हैं। एक एक करके इसको हम बहुत ही धीरे से इस पे ऐसे रख देंगे। और इसको हम ढक देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, और बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे हम। और गैस का फ्लेम हम मीडियम पे ही रखेंगे ताकि अच्छे से ये बॉईल होता रहे और स्टीम होता रहे। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए हम ऐसे इसको पलट लेंगे सबको, एकदम आसानी से ये पलट जा रहा है, इसका मतलब ये हो चुका है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे
से पलट के इसको और ढक के पका लेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से स्टीम हो जाए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं परे हुए हैं नहीं, तो एक टूथपिक की सहायता से हम चेक करेंगे। तो देखिए ये आसानी से निकल आ रहा है, इसका मतलब फरे बन चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। ऐसे हम प्लेट में निकाल लेंगे सारे फरे को और जब ये ठंडा हो जाए तब इसको हम कट करके इसको फ्राई करेंगे। देखिए तो देखिए ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसको एक एक करके कट कर लेंगे। देखिए हमें इतने बड़े साइज में कट करना है। इसको हम ऐसे रखते जाएंगे, ऐसे ही हम सारे कट कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए मैंने सारे फरे को कट कर लिया है, अब इसको हम फ्राई करते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सरसों का तेल डालते हैं। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं इसमें और इसको हम थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें करीबन एक चम्मच जीरा डाल देते हैं। क्या है, अब हम इसमें फरे डाल देते हैं। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं कच्चा, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको हम ऐसे ही भून लेंगे जब तक ये सुनहरा कलर का हो जाएगा, तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए सुनहरा हो गया है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्म फरे बन के तैयार हैं। आप इसको हरी चटनी लाल चटनी के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बना है। एक बार जरूर आप लोग इसको अपने घर में ट्राई करिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको फरे की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।